एक अजकल ना एक नवा वर्ड मैं अज गै सुने आई क्रैच ओपन हो जल्द निके साढ़े घरे ना रखते भोला शोकू मिठू जो भी आपकी रेफरेंस आएंगे जो भी हमारे रेफरेंस आएंगे एडमिशन फीस मिलने वाली है मेरे नाम से ही जान जाएंगे माय हैप्पी स्पेस वेयर लर्निंग इज फन। वेलकम बैक वंस अगेन आई एम आरजे राहुल और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं मैं टू द चड्डा फैमिली फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू वेंचर व्हिच इज प्री स्कूल। पापा से प्यार क्यों नहीं करते? पापा डांटते हैं भैया। अगर आपने इसमें डाला ना आपको ₹1000 इनाम। वेल जी नमस्कार एंड वेलकम बैक टू यंग किसान भाई आज राहुल व्लॉग्स और मैं आज पहुंचा हूं पटोली टू बी वेरी स्पेसिफिक इंदिरा विहार एंड आपको बता दूं कि दिस इज माय हैप्पी स्पेस और जो माय हैप्पी स्पेस है ना ये अब आपकी हैप्पी स्पेस बनने वाली है हेयर एट इंदिरा विहार इन पटोली बिकॉज यहाँ पर प्री स्कूल जो है वो होने जा रहा है आज की तारीख में ओपन एंड टुडे इज 14th November एंड टू ऑल द पीपल ओवर देयर छोटे छोटे जो बच्चे हैं भाई आप सबको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयां एंड इट फील्स ग्रेट कि जब चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पर ऐसा एक प्री स्कूल जो है वो ओपन होता है और यहाँ पर लिखा है प्री स्कूल डे एंड आफ्टर केयर सेंटर एंड देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड क्रेच जो कि बता दूँ मैं आपको इससे पहले मैंने नहीं सुनी थी लेकिन दादा क्या हंस रहे हो बताओ वही मैंने पहली बार सुनी है दादा तो मैंने पहली बार नई टर्म सुनी है क्रैच अंदर मेरी बेइज्जती हो रही है इज्जत के लग रहे हैं मेरे एवेज तो क्रैच क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं कितने बजे स्टार्ट होता है कितने बजे एंड होता है और इस जो क्रैच है ना इस प्री स्कूल की कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशन हैं क्वालिटीज़ हैं और वो क्या क्या है वो हमको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। मैं आपको बता दूं कि हिज नेम इज़ अदीश अदीश महाजन और भैया जो है टॉप फ्रेटर्निटी के साइकिलिस्ट हैं आजकल चला दी भैया साइकिलिंग नहीं चल रही है थोड़ी बहुत चल रही है। प्री स्कूल की बाद में करेंगे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि साइकिलिंग का कितना लंबा सफ़र अभी तक आपने किया है सबसे लंबा कितना चले हो अभी तक 100+ किया है 2-4 बार किया है क्या 100+ किलोमीटर भाई 100 किलोमीटर ज़्यादा इन्होंने साइकिलिंग में कवर किया इनसे बातचीत और भी करेंगे वेलकम। ये भी आते थे बोलते थे मैं बताता हूँ मैं जाता था यहाँ से जजरकोटली मैं इतना जाता था और उसके बाद ये लोग निकल जाते थे आगे और आते टाइम में बस के ऊपर साइकिल डलवाता था और वापस आ जाता था वादा करते थे कल पक्का होगा अगले दिन आने कभी नहीं आता था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस इज के इसमें जो आपका सिटिंग स्पेस है और जो आपका प्लेइंग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिटिंग स्पेस है गार्डन जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है टूवर्ड्स दैट साइड और रिस्क वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर बच्चे के लिए एंड खेलने के लिए बिकॉज आप सब जानते हैं कि बच्चों को खेलना कूदना तंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं दे आर प्रेटी सेफ एंड बच्चा जो है एग्जैक्टली इन्जॉय भी कर सकता है। भैया अगर आपने इसमें डाला ना आपको ₹1000 इनाम अगर आपने वहीं से पीछे से चलो पीछे अगर आपने वहाँ से इसमें डाला तो ₹1000 इनाम आपको है मैं दूंगा हाँ भैया कन्फर्म अगर आपने इसमें डाला ₹1000 इनाम करना ट्राई हैं लो एक चार और चलो अब यहाँ पर चलते हैं हम मैडम के पास। मैम जी नमस्ते। नहीं नहीं मैं इंटरव्यू नहीं कराना कुछ था मैं एक चीज़ पूछनी है तो वहीं बस मैं एक चीज़ पूछनी है एक आजकल ना एक नवा वर्ड मैं अज गै सुने आई क्रैच ओपन हो आखिर क्रैच है जितने बच्चे छटना तो चली जाना तो पहले ये चीज़ नहीं होती पहले बच्चे ही मावा सामदी अजकल मावा नहीं समझ सकती जिक्र जो मावे हाउस वाइफ हाउस संभाले जी वर्किंग है वो छोड़ दें वर्किंग के करियर को छोड़े अच्छा। अगर मदर अगर मदर लाइफ फिट है तो ठीक है नहीं मदर मैम और केशा करें क्या कहे दोस्त मैं बच्चे भी छोड़ी और चले वो बड़े होंगे आजकल बच्चे भी छड़ दे तो यहाँ से चल रहा है भैया हम पहले जो माए हैं बच्चों को यहाँ छोड़ देंगी उसके बाद बच्चा बड़ा होके माओ को छोड़ देगा। वैसे कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर और कैसी स्पेस लग रही है? अच्छी लग रही है। जड़ा पुराना जमाना है उसले तो ये चीज़ नहीं होती ही तो उसले बच्चे किया सामने है उसले भाई सामने लेडीज भी काम नहीं ना करती लेडीज भी काबिल नहीं एक लेडीज वर्किंग है इससे लेडीज कहती है कि हाउस ही बाहर जाएंगे सारे बच्चे जड़ी लेडीज वर्किंग है चलो उन्हें बच्चा छड़े ठीक है जड़ी नहीं वर्किंग वो भी छड़े नहीं होगी उन्हें फिर घर तंग करना मोबाइल आजकल मोबाइल दिखना बड़ा जरूरी है नहीं इंस्टाग्राम चलाना तो बच्चे ही छड़ो क्रैच इसलिए आपको बता दूं कि ऐसी स्पेस जो है ना प्री स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं कि घर पे आप लेडीज जो हैं या जेंट्स जो भी हैं वो आप घर पे रहिए और मोबाइल चलाइए इंस्टाग्राम चलाइए यंगिस्तान पे आरजे राहुल को फॉलो करिए और बच्चे जो है वो आपने छोड़ देने हैं माई हैप्पी स्पेस पे। लेडीज़ का ओपिनियन जो है वो हमने ले लिया ओन चलने जेंट्स को तो इंदा ओपिनियन लेने कि इंदा के सोचना इस बारे। सर जी नमस्कार चनमंदना सारे जय माता दी क्या हाल चाल तुंदे सारे अंगज के नाम मैं बी एच मिन्हास
अच्छा विजय मनास 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 बराबर बराबर कनेहा लगा तुसीं तुंदे अपने एरिया च ओपन होए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मैं क्या बच्चों वास्ते एक बड़ी एक इनकरेजमेंट है बच्चे से तुम्हें लगता नहीं कि कुदा ना कुदा जेड़े लोग न बच्चे नहीं पाली सकते उन्हें आखिया चलो भाई जाओ थे दैट इज फॉर देम ये तो हुंदे वास्ते ही है हैं अदरवाइज बड़े बच्चे जेड़े पढ़ रहे ने वो तो ऑलरेडी हैं जे फ्यूचर जेड़ा है ना बच्चे ना जेड़ा है उनदे वास्ते बाकी की बड़ा सही चीज है बहुत जी जेल बचपन से निके तो शरारत करते हैं या नहीं करते नहीं कदे नहीं की थी अच्छा क्योंकि ऐसे माहौल च पड़े है गरीबी का माहौल है तो घर गुजरे तुंदे उस तो फिर ठीक ही रहना पिया चाहिए घर गुजरे तुंदे घर मेरे बिलावर हूँ तो इतना रोते हो शहर इतने ऊपर अच्छा अच्छा नेक्स्ट चलते हैं सर से पूछते हैं सर सर क्या हाल है आपके फाइन सो व्हाट्स गुड नेम श्याम सुंदर नरगोत्रा और आपके घर कहाँ पे अच्छा लोकेलिटी में ही है तो हाउ इट फील्स लाइक कैसा लगता है कि आपके लोकेलिटी में ही ऐसा क्रेच जो है प्री स्कूल जो है वो ओपन हुआ है इट्स वेरी नाइस स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द नियर बाय विल डेफिनेटली लाइक टू कम ओवर हियर मुझे बताओ जब आप छोटे थे तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पसंद था और पढ़ना पसंद था या खेलना पसंद था सर सर बताना पढ़ना पसंद था खेलने के उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो पढ़ना ही पसंद था जो भी थोड़ा बहुत खेलने के लिए होता था वो यूज टू प्ले अच्छा ओके कभी ऐसा होता कि घर से चोरी चोरी कहीं भाग गए या जैसे होता ना कि फिल्में देखने भाग गए या कहीं कुछ भाग गए वैसा होता था कभी आई हैव नेवर बीन अ सच लाइक टाइप अच्छा आप डिसेंट किड थे शुरू से ही नाम गॉड फियरिंग अच्छा ओके सर आपका क्या नाम है सर मेरा नाम पवन है सर तो सुनाओ जिया सर के सारे वॉज अ डिसेंट किड तो उसमें डिसेंट है या तो शरारती है दसवीं तक डिसेंट है बाय थोड़े शरारती है दसवीं बाद केड़े स्कूल गए तुस अर मीरा स्कूल तो बाहर तो ओदे कोला पहला केड़े स्कूल से ओरिएंटल एकेडमी ओरिएंटल एकेडमी क्या बात है रणवीर रणवीर जी है कि सर और आखे कि जिल्ला ओरिएंटल उसले तो ठीक है जिल्ला रणवीर पुजी है तो रणवीर पुजे ते उठे के होया क्रेम माहौल लब्बे थई पर थोड़ा फ्रेंड सर्कल लग हो जांदा ओदे कने के होंदा के जरा शरारती पण आई जांदा थोड़ा मोटा बाकी है कि मैं खुद ग्रेजुएट मैम काम की थी वो से मैं बेसिकली बिफोर मैरिज बट ट्यूशन पढ़ाई थी कॉलेज के कुड़ियां मुड़े मेरे को पढ़ते थे ट्यूशन पढ़ते बट विच सब्जेक्ट मैं सर सारे तकरीबन इकोनॉमिक्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह वो पढ़ाता बाकी छोटी क्लासों में पढ़ाई थी मैं 10-12 साल पढ़ाई थी तो हूँ मेरा बिजनेस अपना सर कौन सा बिजनेस है पीवीसी वायर एंड हार्डवेयर वगैरह सर कोई बचपन की मेमोरी आपको याद हो छोटे तो आपने ऐसा कोई मतलब पंगा किया हो घर वालों से डांट पड़ी हो वैसा कुछ किया कभी या डर लगता है नहीं नहीं डर भी लगता है करे डैडी को ज्यादा लगता है मम्मी को फादर को ज्यादा लगता है अच्छा हाँ जी हाँ ते बाकी शरारत कीती थी झूठ क्यों बोलना कीती थी जे शरारत नहीं कीती तो फिर बचपन की बचपन करे होया ठीक है तो जो ये चीज ओपन हुई है क्रच प्री स्कूल जी ये बारे क्या कहना चाहोगे दोस्त बहुत अच्छा अच्छा स्पेस है अगे बच्चे लोकैलिटी अच्छी है और जेडे नियर बाई कोई पेरेंट्स वगैरह उन्हें ईजी हो जाएगा छोटे बच्चे ने कई पेरेंट्स ऐसे होंगे ना कि मिसेज मतलब कि दोनों हसबैंड एंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं पिछले नहीं केयर करने वाला कोई तो चलो उन्हें की थोड़ी फैसिलिटी मिली जाएगी कि भाई बच्चा इतने है दोपहर शामी जिसल भी आगे वो ले सकते हैं बच्चे की बाकी बहुत अच्छा स्टैप है ये एक्चुअली खुलने चाहिए न जिंद पेरेंट्स को टाइम नहीं है वो इधर भी मतलब कि बच्चे छोड़ी सकते वो अपना भी कर सकते बच्चे भी अच्छे हो जाए बाकी बच्चे अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए है फैसिलिटी हो छोटे बच्चे की इतने सारे चलो बाकी ये है कि जिस फैसिलिटी अच्छी होगी तो नेचुरली थोड़ा माहौल भी वैसा होगा चलो जी बाहर के लोगों का ओपिनियन जो है वो हमने जान लिया है अब अंदर जो जो लोग हैं उनका क्या ओपिनियन इस बारे में वो अंदर जानते हैं और अंदर की स्पेस कैसी है आपके बच्चा अगर अब यहाँ पर आके पढ़ेगा या खेलेगा कूदेगा तो कैसी स्पेस उसे मिलने वाली ये आपको अंदर जाके दिखाते हैं रुक जाओ कहाँ पर जा रहे हो कहाँ पर जा रहे हो ये कहाँ लेके जा रहे हो मम्मा मम्मा के पास चलो जाओ ले जाओ देखो भाई बच्चे कितने काम पे लगे हैं बच्चे यार बाकी बच्चे काम पे लगे हैं आपका क्या नाम है डर गई आपका क्या नाम है बच्चे इतने डरते क्यों यार मैं तो खुद को कृष्ण स्वरूप समझता हूँ बच्चे डर गए बोलना भी नहीं आता बच्चा ने कैसे बताएंगे आपका नाम मैम क्या है मेरा नाम निकिता ओके बच्चे तंग करते हैं चॉकलेट और ये गिफ्ट कौन ला के देता है
दोनों लगे देते हैं, बट पापा से प्यार नहीं करते ना। उधर उधर देख के बोलो, बोलो मम्मा आई लव यू। मम्मा आई लव यू। और पापा को क्या बोलोगे? आई लव यू टू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेइंग स्पेस जो कितनी ज़्यादा अच्छी है, और बच्चे मस्त हैं, इनको कोई नहीं चॉकलेट से लेना देना। ये एक स्पेस है जो कि प्रिटी सेफ है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आके बच्चे सो भी सकते हैं। और दिस इज़ अदर स्पेस, जो ये चीज़ जब से ज़्यादा चीज़ मुझे यहाँ पर पसंद आई ना, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर खेलने के लिए चीज़ें ना बहुत ज़्यादा है। बच्चा अगर यहाँ पर आएगा तो भरपूर भर पेट जो है वो खेल सकता है। दिस इज़ वन सेक्शन। दूसरी सेक्शन जो है वो आपको वहाँ पर दिखाते हैं। यार हमारे टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, हमारे लकड़ी वाले होते थे, और अगर उसकी लकड़ी की निकल जाती थी तो टीचर उससे फेंटा चढ़ाती थी हमें। लेकिन आजकल के बच्चों को आप डांट नहीं सकते, आप मारना तो दूर की बात है भाई, आप डांट भी नहीं सकते, बिकॉज आजकल के बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। आजकल के बच्चे हैं, दे आर स्मार्ट किड्स, स्मार्टफोन की वजह से स्मार्टफोन की केयर रखनी पड़ती है ना, उसी तरह इनकी केयर भी रखनी पड़ती है। तो दिस इज़ अनदर सेक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेटिंग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर कर रहे हैं, खेलना कूदना है तो वहाँ पर जाना है। इसके अलावा एक और स्पेस है, वो भी आपको दिखाते हैं। एंड दिस इज अनदर सेक्शन, और यहाँ पर भी बच्चे, वैसे दादा ये क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या होगा, लाइब्रेरी होगी क्या होगा ये? हाँ, दिस इज एक्टिविटी रूम। वेलकम बैक वंस अगेन, आई एम आरजे राहुल, और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मैं टू द चड्डा फैमिली फॉर द ओपनिंग ऑफ द न्यू वेंचर विच इज प्री स्कूल, एंड नाम है इसका बहुत अमेजिंग सा, विच इज माई हैप्पी स्पेस। तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे जो लोग यहाँ पर हैं और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देने आए, तालियों से इन्हें बधाई देते हैं। एंड टू आर स्पेशल गेस्ट, बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर विक्रम शर्मा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यहाँ पर आइए और केक कटिंग सेरेमनी जो है उसे स्टार्ट करिए। सर आपसे एक सवाल मैं करूँगा, जिले अस निके होंगे है तो उसल एक कंसेप्ट नहीं हा प्री स्कूल तक रिच था, लेकिन अब ये कंसेप्ट जो है आ गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम आज देख के ये लगता है कि हमारे टाइम पर भी ये होना चाहिए था, चाहिए था। और ग्रूमिंग में कितना फ़र्क है वो हमारे और इन बच्चों के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट किड्स हैं आजकल के बच्चे, आजकल स्मार्ट किड्स हैं, और ये ज़माना स्मार्ट किड्स का है। और यही वजह है कि शायद हमारी या हमारे से पहले वाली जनरेशन जो है वो आजकल अपने आप को मिसफिट फील करती हैं, जो आज गैजेट का ज़माना है, जो आज अपडेशन का ज़माना है। सो नेसेसिटी है, और इस किस्म की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं मुबारक देता हूँ चड्डा फैमिली को जिन्होंने इस एरिया में, मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि इस एरिया में ऐसा कुछ कोई फैसिलिटी पहले है कि नहीं है, सेट कि ऐसा वेंचर इस एरिया में नहीं है। सो इनको मुबारक है, इन्होंने ये कदम उठाया। आई एम श्योर यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी, जो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी में आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग। सो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये एक अच्छा नॉवेल वेंचर है, एंड आई विश देम गुड लक। एक चीज़ आपसे पूछूंगा, इट्स क्वाइट पर्सनल, लाइक अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो यू लुक क्वाइट सोबर, राइट? पर्सनैलिटी सर की बहुत ज़्यादा सोबर है, बट बचपन में विक्रम सर जो हैं शरारती हुआ करते हैं, यहाँ बचपन से ही आप सोबर थे, यू आर नॉट इन टू दिस एक्टिविटीज़ की तंग करना, करे आ तो अगर करते तो मम्मी करते हैं, डैडी करते ज़्यादा? देखो ऐसा है कि साढ़े इतने डोगरे जो कहावत है कि जोड़ा बच्चा बचपन शरारती होता ना ओके जी सोबर ही तो मतलब सर ने जो एक्सप्लेन कर दिया है, बट कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी शरारत की अभी तक आपको बचपन की मेमोरी याद हो कि शरारत की थी कार फंड पे ही, नया कोई किस्सा याद है? नहीं, मैं आपको बताऊं, जब हमारा बचपन था, मेरे ग्रैंड पेरेंट, मेरे ग्रैंड फादर जो है वो उस टाइम पे हेडमास्टर थे। अच्छा। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली जो है वो तीन जनरेशन पहले से एजुकेशन फील्ड में थी। माई फादर हैज़ बीन अ लॉयर, वो एट्थ में थे जब वो घर छोड़ के पढ़ाई के लिए जम्मू आए। सो दैट वेज आई वॉज फॉर्चुनेट कि हमको वो फंड पढ़ना मार्ट पढ़ना वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको समझाया जाता था। लेकिन जहाँ बच्चे शरारत करते हैं वहाँ पर अगर उसको उनको पेरेंट्स डांटते हैं या अगर थोड़ी बहुत अगर झकझोर भी देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो पेरेंट्स को जो आज भी ये देख रहे हैं कि प्री स्कूल है, डे केयर है, उनको भी इस बात को अडेप्ट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल पेरेंट्स बड़े सेंसिटिव हैं, तो ज़्यादा सेंसिटिविटी भी शायद बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए अच्छी नहीं होती। जहाँ उनको डांट की ज़रूरत है वहाँ डांट भी ज़रूरी है। सो उस हद तक एक टीचर को फ्रीडम या लिबर्टी होनी चाहिए, हाँ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी साइमल्टेनियसली देखना चाहिए। तंग कर दे भैया अमित भैया ज़्यादा या नहीं कर दे? नहीं कर दे। सच उम्मीद लग रही है, शक्ल दिखी है कि बड़े तेज होने, सही सुनाओ।
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਫੰਡ ਬੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਵਧਾਏ ਫਲਾਏ ਵਧੇ ਨਾਚੇ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ तो इसमें आइडिया तुंदा भी आ कि भाई करने स्टार्ट या ना सोचे चलो भाई करने हैं ये बच्चों का आइडिया था मेरी भी गाइडेंस थी और मैंने कहा अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है इसलिए इन्होंने ये रिस्क उठाया और आगे बढ़ना शुरू किया मैडम ने बोला मुझे बताना कि मुझे डर लग रहा है बताना कैसे देखो सारी चीज़ें हम ठीक हैं इंटरव्यू जब करना था तो उससे पहले आपने हाथ में लिफाफा पकड़ा जी इंटरव्यू स्टार्ट होया लिफाफा खल छड़ी डा कैली ओह माय गॉड थैंक यू सो मच अगर निकली नहीं है मैं आप ही क्या सो मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन है एक्साइटमेंट है या सब कॉम्बिनेशन है वेरी प्राउड कि मैं कुछ नया लेकर आई हूँ मुझे ये ना अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ और जो यंग किड्स हैं जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनके लिए ये सारा वेंचर मैंने खोला है इंजॉय करें होम फूड है होमली एटमोसफेयर है यहाँ के इंजॉय करेंगे नो स्टडीज ओनली इंजॉय और आप मेरे नाम से ही जान जाएंगे माई हैप्पी स्पेस वेयर लर्निंग इज फन तो ये पहले से प्लानिंग थी या फिर अचानक से लगा कि ऐसा कुछ होते हैं बहुत देर से था पर इम्प्लीमेंट अभी हुआ है तो टाइमिंग क्या रहेगी अगर लोगों को जो लोग आपको देख रहे हैं स्कूल टाइमिंग होगी 9 to 12:30 अच्छा आफ्टर डे केयर इज 5:30 अच्छा आफ्टर डे केयर भी यहाँ पर है आफ्टर केयर भी और मैं यहाँ पर सुन रहा था लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी करवानी है तो वो भी यहाँ पर हाउ इज दैट पॉसिबल वो कैसे हो पाएगा हमारे पास सब कुछ है केटरिंग है टीचर्स हैं और इंजॉय करेंगे मतलब जो भी आप थीम बोलोगे वो हम प्रोवाइड करेंगे फन जोन है वो सब बच्चे और चाहते क्या है यही सब चाहते हैं मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्लेइंग स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सेफ लग रही थी तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ देते तो क्या उन्हें टिफिन भी यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर टिफिन वो अपना भी दे सकते हैं Yes, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम भी मील प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन ऐसा मुझे क्रच के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि इनकी फीस एडमिशन फीस यहाँ ईयरली रहती है क्वार्टरली रहती कैसी रहती है ईयरली क्वार्टरली रखेंगे हम फीस ये क्वार्टरली अच्छा। रह रही है और वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है जो कंफर्टेबल उनके लिए जो कंफर्ट जोन होगा हम वैसे ही लेंगे अच्छा अगर वो चाहते हैं कि 12:30 तक बच्चे को रखना तो उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा 5:30 वाले का ज़्यादा ज़्यादा प्राइस हम रिवील नहीं करेंगे बिकॉज आपको जो नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे आप यहाँ पर आकर इंक्वायर कर सकते हैं बट आई होप के जो प्राइसेज हैं वो ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी नहीं सर जब आप आएंगे जो पेरेंट्स आएंगे उनको लगेगा नहीं हम बहुत सेफ वेंचर में आए हैं कोई ऐसा नहीं है कि उनको लगेगा कि बच्चा बाहर नहीं जा सकता कैमरा से जैसे हमारे पास सब कुछ है कोई ऐसी बात अच्छा कैमरा एक्सेस जो है वो भी है तो प्लेइंग स्पेस की बात की जाए तो हमने राइट साइड भी देखा वहाँ पर प्लेइंग स्पेस भी है और इसको बैक स्पेस जो आप बोल रहे हैं पार्टीज की बात करें वो कहाँ पर होगी पार्टीज वो लॉन में भी होगी क्लासेस में फन जोन है कहीं पे भी जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को यहाँ पे इंजॉय करना है अच्छा और कितने अभी स्टाफ आपने कर लिया अपॉइंट कर लिया तो क्या स्ट्रेंथ है टोटल अभी इसकी स्टाफ की हमारे पास 5 टीचर्स हैं अच्छा 3 मेड्स हैं और टिल व्हाट क्लास यहाँ पढ़ा जाएगा नर्सरी एलकेजी एंड यूकेजी ओके अब एक चीज मुझे बता रहे थे कि अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि भाई अपने बच्चे को वो यहाँ पर आके ड्रॉप करें तो बस फैसिलिटी जो है वैन फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है बिल्कुल अवेलेबल है आप हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजर है उसको कॉन्टैक्ट करें अच्छा आपको पूरे चार्जेस बता देंगे एरिया के हिसाब से क्या क्या है अच्छा तो बच्चे को पिक भी कर लेंगे और बच्चे को ड्रॉप भी करेंगे और बिल्कुल सेफ है सिक्योर वो कैसे ओके तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू फील है कि माय हैप्पी स्पेस जो है जो आपका ये वेंचर है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लास इट्स बेटर कि लोग यहाँ आए और देखें और वही बताएं मैं एक नहीं बताऊंगा मैं बोलूंगा फिर मुंह में मीठू वाली बात आ जाएगी एडमिशंस कब तक चल रही है एडमिशंस बस ओपन है अभी ओपन है ओपन है एडमिशन कोई डिस्काउंट डिस्काउंट चलता है क्या होता है आई डोंट नो मच अभी स्टार्टिंग में नो एडमिशन फीस अच्छा अभी नो एडमिशन फीस कोई एडमिशन आपको नहीं देनी है साइड के आपको यहाँ पर आना है जो भी आपकी रेफरेंस से आएंगे जो भी हमारे रेफरेंस से आएंगे नो एडमिशन फीस मिलने वाली है तो पटोली के लोगों इंदिरा विहार के लोगों आगे पीछे जो भी लोग रहते हैं यहाँ पर आइए माई हैप्पी स्पेस रूपनगर सब यस नेम से माई हैप्पी स्पेस तो यहाँ पर आइए आपके बच्चे को एनरोल कराइए और सारी टेंशन जो है भूल जाएं की वॉचिंग यंगिस्तान बाज राहुल थैंक यू सो मच सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है इनकी स्पेस अगर आप कोई बर्थडे पार्टी जो है
वो करवाना चाहते हैं आपके बच्चे की, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ पर उसने एडमिशन ली हो, आप डायरेक्टली आ सकते हैं और आकर इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बर्थडे पार्टी जो है वो कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस स्पेस, जो आपने अंदर वाली स्पेस देखी जहाँ पर खिलौने थे, तो आप वहाँ पर भी आपकी बर्थडे पार्टी जो है वो रखवा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर खेलते रहें एंड दे कैन हैव समथिंग गुड टू ईट ऑल्सो। रुसी दी कुड़ी, ओहो जाबाश, वाओ, ये देखना, ये से बड़ा सही खेल रहा है, शाबाश, वेरी नाइस। ओ गिर गया, अगर आपने डाल दिया ना आपको 5,000 रुपये मिला। पीछे ये इधर आगे, हाँ पीछे चलो, चलो पीछे, बस उसको 3 दिए थे मुझे। आपको 2 चांस दूंगा मैं, चलो अब आपको 2,000 रुपये दूंगा, अब आपको 2,000 दूंगा, ठीक है। दो हजार के लिए भानु भाई डालते हुए बॉल फेल। तुक्का लग जाता कभी कभी, तुक्का लग जाता कभी कभी, हाँ एक बार और तुक्का लग जाता है, ठीक। दूसरी बार तो तुक्का लगता है ना, ठीक है। ये कौन से नहीं सही है दादा, कृष्ण अर्जुन क्या बात है दादा, इतनी पास से मैं कितनी दूर से फेंक रहा था।